हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सुंदर और इजी नेक डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये फैब्रिक का नाम ऑर्गेन्जा है। आप इस नेक डिज़ाइन को किसी भी फैब्रिक के साथ तैयार कर सकते हैं और मैं इसे एक ही कलर में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो दो कलर के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले कटिंग करने के लिए अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके आप पहले कपड़े को सीधा कर लीजिए। इस नेक को मैं बना रही हूँ बोट नेक पर। ये जो डिज़ाइन बनेगा वो बोट नेक के अकॉर्डिंग बनेगा। तो बोट नेक के हिसाब से आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना है। मैं 33 साइज़ का 33 साइज़ का बैक पार्ट यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको बोट नेक के चार्ट की लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको अपने साइज़ का मेज़रमेंट नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पे से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट आप बोट नेक का जान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ये मेज़रमेंट लीजिएगा। 33 साइज़ में मैंने यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर एंड आर्म होल रखे हैं 7 इंच। 33 साइज़ में शोल्डर एंड आर्म होल हमें 7 इंच रखने हैं। 34 का बना रहे हैं तो भी इतना ही लेना है। अब हम यहाँ पर लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। तो 33 साइज़ का चौथा भाग हम यहाँ पर लेंगे 8.25 इंच। इस तरीके से मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन का। मार्जिन आप अपने ब्लाउज़ में 2 इंच भी ले सकते हैं। चेस्ट की लाइन हमने बना ली है। कपड़े को आप अपनी तरफ कर लीजिए और बैक पार्ट में हम 1 इंच की गोलाई करते हैं। बोट नेक में डीप नेक बनाते हैं जब 1.25 इंच की करते हैं बैक पार्ट में। जब भी आप बोट नेक बना रहे हो या कॉलर वाला ब्लाउज़ बना रहे हो तो आपको 1 इंच पे गोलाई देनी है आर्म होल की, बैक पार्ट की। अब हम कमर का चौथा भाग लेंगे। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो ड्राफ्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बोट नेक में ध्यान रखिएगा, हाफ इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन करते हैं। 1/2 इंच हमने शोल्डर को नीचे की तरफ डाउन करना है। तो मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। बैक पार्ट को हमने मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो गले की चौड़ाई आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं और 4 इंच भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम चौड़ाई वाले गले पहनते हैं तो 3.5 इंच लीजिएगा। मीडियम जब भी आपको बोट नेक बनाना है तो आप 4 इंच लीजिएगा। 4 इंच पर यहाँ पर गले का ये देखिए बोट नेक का शेप बहुत ही अच्छा आता है। तो गले की विड्थ रखी है 4 इंच और ऊपर की तरफ जो नेक बनाया है वहाँ पर मैंने नेक की जो लेंथ रखी है वो 3 इंच ली है। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये 4 इंच का बनाया है। 4 इंच नीचे से लिया है, 4 इंच ऊपर से लिया है। तो ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है उसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से मैंने देखिए 3.5 इंच की पट्टी छोड़ते हुए ये डिज़ाइन दिया है। तो लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं नीचे वाले नेक की। अब आपको पेपर पेस्टिंग लेना है। इसे डबल फोल्ड करके क्रीज बना लीजिए और ये जो लाइन क्रीज की बनी है वहाँ से आपको बैक पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है। आप अच्छे से इसे जमा कर पिन लगा लीजिए ताकि जो ड्राफ्टिंग हम करेंगे वो बराबर से हो। पेपर पेस्टिंग को खोलकर आपको रखना है। अब देखिए जो नीचे की मार्किंग हमने की हुई है वही मार्किंग आपको ऊपर की तरफ दिखेगी। तो उसी मार्किंग पे आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए साइड से 1 इंच भी मार्क कर लीजिएगा आप। तो पेपर पेस्टिंग की लंबाई चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लीजिएगी। बोट नेक के डिज़ाइन में हमें पेपर पेस्टिंग ज़्यादा लगता है और इस तरीके से मार्किंग करने में आपको काफ़ी ईजी रहेगा। ये देखिए अब नीचे वाली जो मार्किंग है वहाँ से भी आप 1/2 या 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लें। तो देखिए एक ही पेपर पेस्टिंग में हमने दोनों गले ड्राफ्टिंग यहाँ पर कर ली है और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर से कट कर लेना है हमें और गले के यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए कट कर लेंगे। इससे हमारे गले की जो विड्थ है वो बिल्कुल बराबर रहती है, फैलता नहीं है नेक। और अब यहाँ से भी हम ये जो नीचे वाला नेक है उसे भी कट कर लेंगे। गले के पैटर्न हमारे दोनों कटिंग हो गए हैं। इन्हें आपको अस्तर वाला जो फैब्रिक होता है अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरीके से अटैच कर देना है। मैंने पिन लगा ली है और अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच करना है। तो देखिए पहले हम इसे अच्छे से रखेंगे, बराबर करेंगे
और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। कपड़े को स्टिचिंग करने से पहले आप इस पर प्रेस ज़रूर लगा लें। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सली या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। चारों तरफ से हमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसका गला तैयार करना है। तो गला ये जो हमने बनाया हुआ है, मैं आपको एक रेडी करके दिखा रही हूँ। ऊपर वाला नेक भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को चिपकाया नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे कपड़े के ऊपर प्रेस से पेस्ट कर सकते हैं। आसानी से ये चिपक जाता है कपड़े के साथ। अब देखिए हमें क्या करना है, साइड से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। उतना ही फैब्रिक हम यहाँ पर रखेंगे जितना कि हमें फ़ोल्ड करना है। और गले को आप इस तरीके से फोल्ड करें। पेपर पेस्टिंग लगाने से गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं सॉफ्ट, जिनमें पेपर पेस्टिंग हमें लगाना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसमें पेपर पेस्टिंग आप ज़रूर लगाएं। उससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग नेक में आती है। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है और इस पर फिनिशिंग कर देनी है। डबल फोल्ड करके हम इसे सेंटर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर में एक नाखून से क्रीज बनाएं, उसके ऊपर चौक से मार्किंग करें। मार्किंग बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। और नेक को, दूसरा वाला जो नेक है उसे भी इसी तरीके से तैयार करेंगे और इसकी भी हम सेंटर मार्किंग करेंगे। डबल फोल्ड करके सेंटर में ऊपर की तरफ आपको एक कट लगाना है और चौक से यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब हमें अपना बैक पार्ट लेना है, इसे भी अच्छे से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर और नीचे की तरफ एक छोटा कट लगाएंगे। इसके बाद हमें चौक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। नीचे की तरफ भी एक छोटा कट लगाना है और चौक से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग आपकी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर ऊपर वाले नेक की सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए पिन लगा लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर, ये देखिए, एकदम कॉर्नर की सिलाई हमें यहाँ पर लगा लेनी है। गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट करेंगे और पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट आपको लगाने हैं सिलाई के पास तक। तो ये नेक हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। एक सिलाई गला पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाइएगा, इस तरीके से। गले को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। मैं इस पर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, बाद में मैं नेक के ऊपर तुरपाई करूँगी हाथ से। तो नीचे वाला नेक जो है वो भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए हमें पिन से यहाँ पर लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर पिन लगा ली है। और इसके बाद अब हम एक सिलाई कॉर्नर की, ये देखिए, पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए फिनिशिंग के साथ हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाकर मैंने नेक को कंप्लीट कर दिया है। और अब हम सेंटर से इसे कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से एक छोटा कट लगाना है और फिर इस नेक को हमें कट करना है। फिनिशिंग के साथ यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए कपड़े को कट करना है और पूरे ही गले के ऊपर अच्छे से हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं सिलाई के पास तक, इस तरीके से। ये देखिए, तो पूरे ही नेक के ऊपर मैंने कट लगा दिए हैं। अब इस नेक को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ऊपर से हम इस पर प्रेस लगाएंगे। तो जब आप नीचे कमर की पट्टी लगाएं तो भी आप इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। ये देखिए, नेक इस तरीके से आ गया है। तो मैंने यहाँ पर हाथ से फिनिशिंग कर दी है और अब मैं लगाऊंगी कमर पट्टी। तो कमर पट्टी लगाने से पहले आपको प्लीट्स लगानी है। सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लीट्स को लगाना है, इस तरीके से। दोनों तरफ हम इसी तरीके से प्लीट्स को अटैच कर देंगे। इसके बाद नीचे कमर पट्टी लगानी है। तो कमर पट्टी के लिए लिया है मैंने 1.5 इंच विड्थ में कपड़ा और उसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है इस पट्टी को, देखिए इस तरीके से। और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है।
एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए कमर पट्टी मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दी है और इन सब पर हमें अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ के लिए हमें ऊपर अटैच करने के लिए बो बनाना है, तो इस कपड़े की लेंथ मैंने रखी है 14 इंच। और यहाँ पर देखिए जितना भी आपको लेंथ में और विड्थ में कपड़े को रखना है डिज़ाइन को बनाने के लिए आप ले सकते हैं। अब इस कपड़े को देखिए मैं यहाँ पर तिरछा कट कर रही हूँ, क्योंकि नीचे जो बेल्ट का शेप होता है वो थोड़ा सा तिरछे में अच्छा लगता है। और इसके नीचे मैं लगाऊंगी फ्रिल, तो फ्रिल बनाने के लिए 3 इंच विड्थ में मैंने कपड़ा लिया है। और बेल्ट जो है उसकी जो लेंथ है डबल में 15 इंच है। और ये बेल्ट की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं फ्रिल बना रही हूँ बेल्ट के अंदर अटैच करने के लिए। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। और ये जो फ्रिल का कलर है वो आप कॉन्ट्रास्ट में भी ले सकते हैं। अब देखिए हमें बेल्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर नीचे की तरफ ये शेप बनाते हुए फ्रिल को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने फ्रिल को यहाँ पर अटैच कर दिया है, ये देखिए। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी कर लेना है और इसका सेंटर मार्किंग करना है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर इस बेल्ट को बंद करना है और मशीन के टाके को भी सुई को बीच में रखते हुए सीधी सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई आप नीचे से ज़्यादा लेते हुए ऊपर हमें कम करनी है, क्योंकि बेल्ट का शेप इसी तरीके से आता है। नीचे से ज़्यादा लेते हुए ऊपर की तरफ हमें कम कर देना है। एक सिलाई फिर से लगा रही हूँ मैं, देखिए। और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें बेल्ट की सिलाई लगा लेनी है। फ्रिल को अंदर रखना है, फ्रिल को बाहर नहीं निकालना है। और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। सेंटर पर जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ से थोड़ा गैप हमें छोड़ देना है ताकि हम इसे पलटकर सीधा कर सकें। ये देखिए मैंने एक ही बेल्ट यहाँ पर तैयार कर लिया है दोनों तरफ से। और इसे हम यहाँ पर देखिए सेंटर से जो हमने थोड़ा सा गैप खुला छोड़ा है वहाँ से इसे पलटना है। तो जब भी आप बेल्ट बनाए सेंटर से मार्किंग करके आपको 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ देना है ताकि हम इस बेल्ट को पलट कर सीधा कर लें। तो देखिए ये जो बेल्ट है हमारा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो नीचे फ्रिल हमने लगाई है इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट को मैंने बना लिया है। अब मैं बो बना रही हूँ यहाँ पर। तो कपड़े को इस तरीके से आपको रखना है और सिलाई लगानी है। और जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा गैप खुला छोड़ना है इसे पलट कर सीधा करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर कट करेंगे और इसे पलट के सीधा करेंगे। ये जितने भी पैटर्न हमने तैयार किए हुए हैं इन्हें अटैच करने से पहले आपको इनके ऊपर प्रेस लगानी होगी, तभी फिनिशिंग इसमें अच्छी दिखेगी। अब इसे पलट कर सीधा करेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सारे निकाल लेंगे। तो कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इनके कॉर्नर अच्छे से निकाल लें। ये देखिए जहाँ पर हमने सिलाई खुली छोड़ी थी वहाँ पर आप हाथ से तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर प्रेस कर लिया है, अच्छे से हमारा जो पैटर्न है वो बैठ गए हैं। और अब हमें सेंटर मार्क करना है बो बनाने के लिए। बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करेंगे, सीधी सीधी लाइन बनाएंगे और सुई धागे से यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बो का साइज़ और बेल्ट का साइज़ बड़ा रखा है, आप अपने हिसाब से इसे कम भी रख सकते हैं। ये देखिए बो को हमने इस तरीके से धागे से लपेट कर नॉट लगा देनी है और इसके बीच में फिनिशिंग करने के लिए एक पट्टी रेडी करनी है। तो इस पट्टी को आपको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और इसे पलट कर आपको सीधा करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे इस तरीके से। हम पट्टी को पलट कर सीधा करेंगे और इस पट्टी को हम लगा लेंगे यहाँ पर, इसके ऊपर अटैच कर देना है और सुई धागे से इसे टक कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं। अच्छे से हम यहाँ पर पक्का करते हुए नॉट लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर
इसे अटैच कर दिया है। पट्टी लगाने से इसमें जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आ गई है। तो ये सारे ही पैटर्न हमारे रेडी हो गए हैं, अब इन्हें हम अटैच करेंगे। तो ये जो गैप था उसे मैंने सिलाई लगा दी है बेल्ट की। इसे डबल फोल्ड करके हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और आप सेंटर मार्किंग कर लें जहाँ पर भी आपको बेल्ट को अटैच करना है। तो मैं इसे ऊपर की तरफ से अटैच कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर। और अब हम इसके ऊपर बो को अटैच कर देंगे। तो बो को आप मशीन से ना करें, आप सुई धागे से स्टिच करें। तो देखिए यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से रखना है और सुई धागे से अच्छे से हम इसे पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। तो ये इसका फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।